आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ In this question, we have given a square loop of side D is moved with velocity v i in a non-uniform magnetic field B naught by a x k cap. देन द इंड्यूस्ड शोन इज हमें क्या फाइंड आउट करना था ई एम एफ इंड्यूस्ड शोन इज एक डायग्राम हमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है ये हमारा क्या है ओरिजिन है ओ ओरिजिन के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे जीरो जीरो अब यहाँ से देखो क्वेश्चन में ये गिवन है डी डिस्टेंस पे ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे हमारे पास एक स्क्वायर लूप रखा गया है जिसकी साइड लेंथ कितनी है डी डी आप देख पा रहे हैं ठीक अब इस पूरे रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारा इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर है देखो के कैप मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर है अपवर्ड डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है जो हमारे पास बी है वो हमारा क्या है बी नॉट बाई ए इंटू एक्स के कैप अब यहां से देख पा रहे हो कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्वेश्चन में गिवन है क्यों क्योंकि देखो जैसे जैसे कोऑर्डिनेट हमारा चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी किसी पॉइंट पे देखो यहाँ पे इस पूरे लाइन पे एक्स इक्व क्या होगा डी एक्स एक्सिस था एक्स इक्व टू जी इस पूरे लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा अगर हम बात करें यहाँ पे इस यहाँ पे कोई एक लाइन होगी तो ये देखो इस ओरिजिन से आप डिस्टेंस एक्स लोगे तो वहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड हमारा चेंज हो जाएगा फिर यहाँ पे देखो जब वो पॉइंट आ जाएगा तो ओरिजिन से देखो इस लाइन से मैग्नेटिक फील्ड तो जैसे से X हो हमारा, क्या होगा देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा इसका मतलब ये है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्लियर हो गया अब इस क्वेश्चन में, में क्या फाइंड आउट करना था ई एम एफ इंड्यूस्ड शोन इन फिगर तो इस पूरे हमारे पास जो एक स्क्वायर लूफ है इसमें हमें ई एम एफ की वैल्यू बतानी थी तो हमें पता है कि देख पा रहे हो कि हमारा ये जो स्क्वायर लूफ है वो हमारा v वो से गिवन है वी आई वी आई आई मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वी वेलोसिटी से हमारा स्क्वायर लूप मूव कर रहा था तो क्लियर इसको यहां से हम दिखा सकते हैं

इंड्यूस्ड का फॉर्मुला एल क्या होता है लेंथ ऑफ द वायर बी क्या होता है ऑफ द वायर बी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो मूव कर रहा है अगर कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है तो उस वायर में क्या इंड्यूस्ड होता है एक इंड्यूस्ड ई जिसको कहते हैं मोशनल ई क्योंकि ये मोशन की वजह से आया है आप देख पा रहे हैं इसको क्या कहेंगे मोशनल ई बोला जाता है क्लियर हो गया तो यहाँ से हमें ये चीज़ हमें पता चल गई अब इसी तरह से यही कॉन्सेप्ट अपने हम लूप पे लगाएंगे देखो हमारे पास सर्कुलर लूप वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो यहाँ से देखो यहाँ पे चार वायर होंगे चारों वायर के हम नाम रख सकते हैं देखो ये हमारा जो एंड था लेट से पी है्यू है ये है, हमारा आर है ये हमारा एस है तो चार वायर होंगे क्योंकि ये हमारा स्क्वायर लूप है अगर हम कहें कि जो वायर हमारा क्यू आर है और जो हमारे पास वायर है पीएस

तो यहां से देखो अगर वी क्रॉ कैलकुलेट करोगे उसकी डायरेक्शन इधर आएगी जो हमारा इस लेंथ के क्योंकि इसकी लेंथ कितनी गिवन है डी तो उसके परपेंडिकुलर है इट मीनस कि इस लेंथ क्यू आर की वजह से क्यू आर की वजह से हमें कोई भी इंड्यूस टीएमएफ नहीं मिलेगा इसी तरह से पीएस जो हमारे पास वायर था इसकी वजह से भी हमें इंड्यूस टीएमएफ नहीं मिलेगा क्योंकि देखो जो हमारे पास वी क्रॉस बी था वो लेंथ के परपेंडिकुलर हो गया वी क्रॉस भी हमारा इस डायरेक्शन में आ जाएगा जो देखो लेंथ डी के परपेंडिकुलर है इट मीन्स कि जो हमारे पास वायर

वो हमारा हो जाएगा जीरो रीजन क्या होगा क्योंकि यहाँ से हम देख पा रहे हैं वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो वायर की जो लेंथ है डी उसके परपेंडिकुलर है क्लियर इसी तरह से अगर वायर हम बात करें PS की तो पी वायर की वजह से भी हमारे पास emf क्या हो जाएगा जीरो क्यों जीरो होगा रीजन उसका क्या हो सकता है कि जो हमारे पास वी क्रॉस बी की डायरेक्शन है इस वायर में देखो इस वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर है दैट्स हो जाएगा क्लियर अब हमारे पास बचते हैं दो वायर पी क्यू और आर एस अब इनको अच्छे से समझेंगे अब यहाँ पे देखो पी क्यू वायर की अगर देखो तो यहाँ पे इस पूरे रीजन में अगर पी क्यू वायर में आप देखो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन अब देखो इसकी जो डिस्टेंस है डी ए है वायर की ठीक अब वी क्रॉस बी अगर फाइंड आउट करोगे तो वी की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स करिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे ऊपर की तरफ उसको कर्ल करोगे तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी ठीक तो देख पा रहे हो कि ये हमारा जो वी क्रॉस बी है इस वायर लेंथ जो है उसी के पैरेलल तो है क्लियर तो इस वजह से हमें पी क्यू वायर से इंड्यूस टीएमएफ मिलेगा और उसका फॉर्मूला आप देख सकते हो इंड्यूस टीएमएफ का फॉर्मूला लेट से हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं इंड्यूस टीएमएफ वायर पी क्यू की वजह से तो उसका फॉर्मुला कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ द वायर कितना है देखो डी क्योंकि स्क्वायर है तो सारी जो लेंथ लेगी हो जाएगी डी इन टू अब यहाँ पे देखो V क्रॉस B इट मीनस V और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो अगर एक क्रॉस हटाओगे तो आ जाएगा थीटा थीटा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री क्योंकि देखो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ठीक तो इस तरह से साइन 90 हमारे पास इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो देखो जो इंड्यूस आ जाएगा इंडियेगाक्वल टू एल वी बी साइन नाइनटी इस केस में देखो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है के कैप में है और जो वेलोसिटी है वो हमारा आई कैप है दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा नाइन डिग्री तो इंडियोस डीएफ आ जाएगा हमारे पास V, B, l, हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा सॉरी मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ई का यही कॉन्सेप्ट लगा दो लेंथ l क्या था लेंथ ऑफ़ द वायर pq तो कितना है d इन अब यहाँ पे देखो v v हमारे पास क्या है उसको भी हम रख देंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है पे इट मीन ओरिजिन हमारा रेफरेंस है इसी रेफरेंस से हम मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करेंगे तो यहाँ से देखो अगर डी डिस्टेंस पे वायर रखा है इस ओरिजिन से देखो डी डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस कितना है देखो डी डिस्टेंस पे वायर रखा गया है तो इस पूरे लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बी नॉट ए इंटू जाएगा हमारे पास डी तो यहाँ पे ये यह इंपॉर्टेंट था बी नॉट डिवाइडेड बाई ए कॉन्स्टेंट था एक्सपे हो जाएगा डी ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटू वेसिटी

यहाँ पे डी क्यों आया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म था X पे डिपेंड कर रहा था वायर हमारा देखो रेफरेंस से जो हमने एक्सिस को रेफरेंस रेफरेंस मान रखा reference से डिस्टेंस पे वायर पी क्यू था किसी मोमेंट पे क्लियर हो गया तो ये पी क्यू की वजह से इंडियमएफ हमें मिल गया अब हम बात करेंगे अपना वायर आर एस की वजह से इंडियम तो इंडी एफ बाई वायर आर एस तो यहां से सेम लगाओगे देखो लेंथ ऑफ द वायर कितना है डी आरएस का का जो लेंथ था वो भी हमारा डी हो जाएगा इंटू मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड देखो अब इस ओरिजिन से ये वायर हमारा आर एस वायर कितना डिस्टेंस पे था एक्स इक्वल टू कितना डी और प्लस इस वायर की जो ये डिस्टेंस थी डी ये डिस्टेंस और ओरिजिन से देखो ये वायर हमारा डी डिस्टेंस पे लूप सॉरी था तो यहाँ पे देखो ये लूप हमारा ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे था और ये वायर की बात करो तो आर एस हमारा देखो ओरिजिन से या वाई एक्स से देखो कितनी डिस्टेंस पे है टू डी डिस्टेंस पे तो एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास टू डी तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फंक्शन था बी नॉट

वो अब वायर आरएस की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टू डी तो यहाँ से, तो से देखो इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हमारे पास बी नॉट बाई ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा टू बी बाहर आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर इंटू वी क्लियर ये हमारा आ गया वायर आर एस की वजह से इंड्यूस्ड ई एम एफ अब यहां से इस पूरे लूप को हम बाहर बना लेते हैं ठीक अब इंड्यूस्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आप देख सकते हो कैसे निकालते हैं फिर से राइट हैंड थम की डायरेक्शन राइट हैंड हैंडम की हेल्प से हम इंड्यूस्ड इंडीएफ की डायरेक्शन निकालेंगे वी की डायरेक्शन में वी की डायरेक्शन में अपने राइट right हैंड की क्या करिए थम को करिए राइट हैंड के थम को करिए बी के डायरेक्शन में अपने राइट right हैंड की चारों फिंगर्स को करिए ठीक तो आपका जो पाम होगा पॉम ला हम लगा रहे हैं जो पॉम होगा वो आपको क्या देगा इंड्यूस्ड ई एम एफ जो होगा उसकी पोलैरिटी बताएगा तो जिधर पाम आएगी वो पॉजिटिव होगा जिधर पाम नहीं रहेगी वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और हमारे पास जो वेलोसिटी हो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की थंब करिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चारों फिंगर्स करोगे तो पाम हमारा परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ आएगा इट मींस अगर वायर हम पी क्यू की बात करें तो पाम हमारा नीचे की तरफ आएगा हेंस यहाँ से कह सकते हैं कि नीचे वाला हमारे पास पॉजिटिव पोलरिटी आ जाएगा ये हमारा ऊपर वाला नेगेटिव पोलरटी आ जाएगा इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं अभी कौन सा वायर की बात कर रहे हो देखो ये हमारा वायर था इस तरह से एक नेगेटिव पॉलिटी होगा एक पॉजिटिव पॉलिटी क्योंकि हमारे पास जो पाम थी वो नीचे की तरफ आई थी तो इस तरह से व्यवहार हो गया हमारे पास पी क्यू ठीक अब आपने देखा कि हमारे पास जो क्यू और आर वायर थे ये हमारे पास क्या क्यू आर वायर में कोई भी इंड्यूस डीएमएफ नहीं था तो यहाँ से कोई इंड्यूस इंडमएफ नहीं लगाओगे हमारे पास आर था अब यहाँ से देखो आर और एस में फिर से इंड्यूस इंडियमएफ आया था और उसकी वैल्यू कितनी थी ये हमारे पास मैग्नीट्यूड था अब उसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे वी क्रॉस बी से तो देखो वी हमारा इसी डायरेक्शन में है बी हमारा बाहर की तरफ है फिर से पाम नीचे की तरफ आएगा इट मीनस की जो पोलियरिटी होगी बैटरी की वो हमारा पॉजिटिव पोलियरिटी नीचे की तरफ होगा निगेटिव ऊपर की तरफ होगा तो इस तरह से हमारे पास ये पोलियरिटी बैटरी की बन जाएगी पॉजिटिव ऊपर है नेगेटिव हमारा सॉरी पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऊपर है

इंटू पी क्यू ठीक अब यहां से देखो इंड्यूस वायर में कितना था देखो टू बी नॉट ए डी स्क्वायर इंटू वी माइनस पी क्यू वायर की वजह से इंड्यूस इंडियम कितना था बी नॉट यहाँ पे देखो तो बी नॉट ए इंटू डी स्क्वायर इंटू वी तो यहाँ पे देखो हमारे पास इसको अगर घटाओगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी नॉट ए डी स्क्वायर into v ये हमारे पास नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इस पूरे लूप में आ जाएगा क्लियर होगा गया ये हमारा नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया दोनों की पोलैरिटी आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाओगे तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा इसी वजह से हमने यहाँ पे दोनों को घटा दिया ज्यादा में से कम को घटा देंगे ये हमें अपना आंसर मिल जाएगा क्लियर हो गया तो b not a d स्क्वायर इनटू v ये हमारे पास नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इस लूप से तो यहां पे अगर अपना आंसर देखो b not d स्क्वायर यहां पे देखो b not बाय a d स्क्वायर इनटू v तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन अगर देखो क्या लिखा हमारे पास बी नॉट बाई a ठीक डी स्क्वायर इंटू वी ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे थैंक यू क्लास सिक्स टू से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ पर